हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एगलेस चॉकलेट बनाना मफिन बनाएंगे। इसे हम विदाउट मिल्क, कंडेंस मिल्क और बिना बटर के बनाएंगे, फिर भी मफिन बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगी। इसे आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि चॉकलेट मफिन में बनाना का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होगा। और मार्केट की चॉकलेट मफिन और इस मफिन दोनों के टेस्ट को आप कंपेयर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिनी पेपर कप को मोल्ड में सेट करेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। 10 मोल्ड में पेपर कप को सेट करके हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो मोल्ड को हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। और अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो हम लेंगे 2 पके हुए बनाना, इसे छील कर अच्छे से मैश करना है। तो हमें अच्छे पके हुए बनाना का ही यूज करना है। तो बनाना को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक चलनी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 से 3 पिंच नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। सभी को अच्छे से छान लेंगे। तो सभी को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। इसे हमें ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, बस सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस, इसे भी मिक्स कर देंगे। तो बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम बैटर को तुरंत मोल्ड में डालेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे मोल्ड में बैटर डालकर तैयार कर लेंगे। तो सारे मोल्ड में हमने बैटर डाल दिया है। तो अब हम इसे प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट बाद ओवन से हमने मफिन्स को बाहर निकाल लिया था और 10 मिनट हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मफिन्स बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। तो इसमें हमने बनाना का यूज़ ज़्यादा किया है, तो टेस्ट भी इसका डिलीशियस है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।